ਬੋਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਲਈਏ ਹੋ ਦੇਵਰ ਕੈਸੀ ਸਾੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਚਮਕ ਨਿਰਾਲੀ ਬੋਸ ਇੱਕ ਸਾੜੀ ਲਈਏ ਹੋ ਜਿਸ ਕੀ ਚਮਕ ਨਿਰਾਲੀ ਸੁਭਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਕਲਰ ਰੰਗ ਬਤਾ ਕੈਸਾ ਰੰਗ ਲੇਗੀ ਭਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਦੇਵਰ ਬਾਵੜਾ ਮਤ ਬਣੇ ਮੇਰੀ ਸਾੜੀ ਮੈਂ ਤੀਨ ਰੰਗ ਚਾਹੀਏ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀਆ ਬੀਚ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸਾ ਸੀ ਬੀਚ ਮੈਂ ਸਫੇਦ ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੇਸਰੀਆ ਵੋ ਤਿਰੰਗੀ ਸਾੜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਕੋ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਰ ਤਿਰੰਗੀ ਸਾੜੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਕੁਛ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਔਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਛਪਵਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਕੀ ਬੋਲੀ साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो ऋषि दयानंद तिलक गोखले स्वामी शंकराचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपाल आचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपाल आचार्य हो है रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवार भी हो हंसते हंसते जेलो अंदर पढ़ने को तैयार भी हो हंसते हंसते जेलो अंदर पढ़ने को तैयार भी हो काले पानी पहुंचाए वीरों ने जाने खपाली बोसे से साड़ी लिए हो जिसकी चमक निराली तेरे जैसे न जाने कितने देखो लाहौर जिले का 23 साल का छोरा भगत सिंह फांसी तोड़ दिया अरे कितनों को मार दिया उन क्रांतिकारियों को भी मत भूल जाना उनके फोटो भी चाहिए मुझे साड़ी पे किन किन का नाम लिया के बता दिया चंद्र शेखर आजाद भगत सिंह चंद्र शेखर आजाद भगत सिंह रास बिहारी बोस भी हो लाल लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो सन 1919 की बात अमृतसर अरे जलियांवाले बाग का जलसा टायर फायर करीता हो भारत का बदला लेने लंदन में सेल चलता हो अरे ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में टायर मरेता हो ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में ਸਾਡੀ ਲਈ
इस देश को प्यार करता है वो हाथ उठा के ताली बजा के मेरे साथ एक गीत गा दो इन शहीदों के लिए। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, ये देश दुनिया का गहना। छोड़ी छाती वीरों की, यह बोली सकले हीरो की, यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे बस्ती में, और आग लगो चाहे बस्ती में। तीसरी बात के माध्यम से किस तरह से भाभी के कहने लगी रा निवली के देवर, हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, अगर कभी भी आजाद हिंद में कोई मंच लगेगा, कभी भी कोई स्टेज लगेगी और गाना बजाना हो, तो कम से कम एक बार इन महापुरुषों का नाम नहीं आया तो उस स्टेज और उस मंच को भी दोष लगेगा। कौन कौन से महापुरुष, कौन कौन से किससे क्या बताया गया? राम लक्ष्मण, ओ छोरी, ओ छोरी, राम लक्ष्मण, जिसको नींद आ रही है वो हाथ खड़ा करना, नींद आ रही है वो हाथ खड़ा करे। अम्मा कर रही है। हमारी दो ताई जी को नींद, इन्हें ठाके नहीं कुदाओ, एक बजू करिया कुद है। बोलो भारत माता की, आई कहने लगी, राम लक्ष्मण राज छोड़ के बन में धक्के खाते हो, हरिचंद भी सत्य के कारण काशी में बिक जाते हो, जगदेव पवार काट कह गर्दन कान में शीश चढ़ाते हो, जगदेव पवार काट कह गर्दन कान में शीश चढ़ाते हो, वे राजा मोर दज चीर के लड़का संतों का शेर जिमाते हो, प्रहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो, राजा बहुत विक्रमा दिते पर जाका कष्ट मिटाते हो, राजा बहुत विक्रमा दिते पर जाका कष्ट मिटाते हो, बिन आजादी का हो, बिन आजादी का हो, पूछे मिल गए दिवाली को शादी लगे हो, जिसकी जिसकी चमक निराली रज जिसकी चमक के निराली भोसी सुसाड़ी में ये हो, जिसकी चमक निराली। हाँ, और आखिर में इन क्रांतिकारियों ने शहीद दी, शहादत दी, तब आज हम बाबा का जागरण खुले में कर रहे। अगर आज देश गुलाम होता तो चार आदमी एक जगह बैठते तो अंग्रेज पकड़ के ले जाते। यह आजादी 7,32,000 क्रांतिकारियों ने खून दिया, तब जाके ये आजादी का पेड़ उत्पन्न हुआ। लेकिन कई लोग कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, कमाल के गांधी जी ने केवल चरखा चलाया, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी कर दे ले भाई, इस पे भी मार, इससे आजादी मिली है। लेकिन कवि कहता है, हम लोग कहते कि नहीं, क्या भला ऐसे आजादी मिल सकती है कि थप्पड़ मार दूसरे पे अगला मार मार का बेहोश कर देगा। एक कवि ने कहा कि गांधी जी, लोग कहते कि तूने लई आजादी चला चला के चरखा, लेकिन हम कहते हैं आजादी को लाने वाले सौदा कर गए अपने सर का, सौदा कर गए अपने सर का। सजनों, अभी कई 2-3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुनिया सम्मान करती है, हम भी सम्मान करते हैं कि उन्होंने कश्मीर की 370-35 हटाई, राम मंदिर बनवाया और भी कई काम करे, 3 तलाक बिल पास करा। लेकिन कल परसों भी आपको पता है
अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप आया था, एक मिनट के 55 लाख रुपए का खर्चा था, इतना बड़ा सम्मान करा। क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर हिटलर वर्ग राजा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल को चोट लगी, गुजरात के नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी ने उनको गुजरात ले जाके साबरमती गांधी जी का आश्रम दिखाया। कम से कम एक बार, मेरी खुद की सोच है, एक बार जलियांवाले बाग को दिखाते कि देखो कितने शहीद हुए, हम आज़ादी लाए, कम से कम एक बार शहीदों का जिक्र होता तो हमारे दिल को भी सुकून मिलता। लेकिन वो राजा है देश के, जो भी किया होगा वो जाने, हम तो अपना गाना बजाना जानते हैं। आज कश्मीर के अंदर जो काम करा है वो काबिले तारीफ, आपको खुशी तो है ना, 370 हटी है, इसलिए कि हमारे फौजी जवान हरियाणा के सबसे ज्यादा कश्मीर के अंदर ड्यूटी पे तैनात है। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन कोई बाट्टा मार के उनका सिर ना फोड़े या कोई गोलीबारी में कोई शहीद ना हो। शुरू से लेकर अब तक जितने भी शहीद हुए, आइए एक गीत उनके लिए गाते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, सर आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक दी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछाती, जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछाती, संगीन पे धर के माथा मर गए अमर कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। रागनी बातों वो भाभी बोली के देवर ये चित्रकारी करा के लाना। सुभाष कहते हैं भाभी एक बात बता, तूने सारी दुनिया का जिक्र कर दिया, क्या तेरी साड़ी पे एक छोटा सा फोटो तेरे देवर सुभाष का नहीं चाहिए? तो भाभी बोली के देवर तेरा फोटो इस साड़ी पे बिल्कुल पल्ले पे फ्रंट पे चाहिए, पर जब तू यो काम कर देगा, कौन सा काम आपको अच्छा लगे, ताली बजाना सुभाष चंद्र बोस को सुनने के बाद कौन सा काम सुभाष कर दे जब फ्रंट पे फोटो लगे। क्या कहती है भाभी? रामायण महाभारत गीता, रामायण महाभारत गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आती दिखे गुलामी का नाश भी हो। और सुनिए दिल को बात लगेगी, देवर कब फोटो कब, जब लाल किले पे तिरंगा झंडा और सामी खड़ा सुभाष भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा सामी खड़ा सुभाष भी हो, सरदार सिंह तूफान कहे गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो, मजदूर किसानों का नेता राव तुलाराम भी संग में हो, भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के रंग में हो, भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी के रंग में हो। फिर साक रोट के नक से मैं सब लिखे हारी पाली वो से साड़ी लिए हो, इश्क पे चोरी नहीं, वो सी एक साड़ी लई